नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ जैन। गुजरात विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, भाजपा की हार तय है। केजरीवाल ने एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू के दौरान भी यह दावा किया था और एक कागज पर यह लिख कर भी दे दिया था। अब सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाकर एक कागज पर लिखकर भविष्यवाणी कर दी है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि राजनीति के अंदर मेरी भविष्यवाणी सही निकलती है। 2014 में जब दिल्ली में चुनाव हुआ था, तब मैंने एक पत्रकार को लिखकर दिया था कि कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आएगी और उस चुनाव में कांग्रेस 0 सीट आई थी। पंजाब चुनाव में भी मैंने कई भविष्यवाणी की थी। मैंने कहा था कि सिद्धू चन्नी और बदल साहब का पूरा परिवार हारेगा और यही हुआ था। अब मैं गुजरात को लेकर भी सबके सामने लिख कर दे रहा हूं। इसके बाद केजरीवाल ने एक कागज पर लिखा कि गुजरात में आपकी सरकार बनने जा रही है। सुनीत श्रीवास्तव यूजर्स ने लिखा है कि यह तो यह भी कह रहे थे कि बनारस में यह चुनाव जीत रहे हैं और मोदी जी हार रहे हैं। यह तो यह भी कह रहे थे कि उत्तराखंड और गोवा में सरकार बन रही है। हुआ क्या था? नवनीत झा नाम के यूजर्स ने लिखा कि फिर ईवीएम का क्या होगा सर? @mail2manitu यूजर्स ने लिखा है कि ऐसी बड़ी भविष्यवाणी केजरीवाल ने यूके के चुनाव के लिए भी की थी, उससे बदतर हालत आपकी गुजरात में होगी। हरिप्रकाश 729 यूजर्स ने लिखा है कि केजरीवाल जी, आपकी भविष्यवाणी एक छलावा है, आपकी दिल्ली भी जाने वाली है, आपके झूठे वादे हैं, छल कपट पूरा हिंदुस्तान जान चुका है। @KaitanZeroGajjar यूजर से लिखा है कि कौन सा नेता कागज पर लिखकर देगा कि मेरी सरकार नहीं बनेगी? आपका हर वादा लोभ लालच और आपकी जीत पर टिका हुआ है। क्या बता सकते हैं कि जीत के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम क्या होंगे और सुरक्षा क्या मुफ्त में मिलेगी या फिर बाद में कोई कीमत चुकानी होगी? बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने गुजरात की सरकार कर्मचारियों से आपको समर्थन देने का आग्रह किया और वादा किया कि पुरानी पेंशन योजना अगले साल 31 जनवरी तक लागू कर दी जाएगी। भाजपा पर हमला करते हुए केजरीवाल ने कहा कि पहली बार 27 साल के अंदर इतना बौखलाई है, सत्ता पक्ष के लोग काफी डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग भी इस बार आपको वोट देने वाले हैं। कई लोग कहते हैं कि राजनीति के अंदर मेरी भविष्यवाणी सही निकलती है। 2014 में जब दिल्ली में चुनाव हुआ था, तो मैंने एक पत्रकार को लिख के दिया था कि कांग्रेस की इस बार 0 सीट आएंगी। किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन उस चुनाव में कांग्रेस की 0 सीट आई थी। पंजाब के चुनाव में मैंने कई सारी भविष्यवाणियां की थी। मैंने कहा था नवजोत सिंह सिद्धू हारेंगे, चन्नी साहब दोनों सीटों से हारेंगे, बादल साहब का पूरा परिवार हारेगा। तो आज मैं आप सबके सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ। अलग अलग चैनल वाले मेरे से पूछते हैं, अलग अलग उसकी ज़रूरत नहीं है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। 27 साल के शासन के बाद, कुशासन के बाद, अब गुजरात की जनता को इन लोगों से रिलीफ मिलेगा।